क्रिकेटर्स अपने फैंस के लिए किसी सुपरस्टार से कम नहीं होते हैं, लेकिन नेपाल क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान संदीप लामिछाने पर काफ़ी संगीन आरोप लगे हैं। नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश क्राइम सीन, जिसमें आज हम बात करेंगे क्रिकेटर संदीप लामिछाने के बारे में। नेपाल क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान संदीप लामिछाने को काठमांडू के त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया है। उन पर 17 साल की लड़की से दुष्कर्म का आरोप है। उन्हें पुलिस की हिरासत में रखा गया है। नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में पहले लामिछाने ने सभी आरोपों को निराधार बताया था, लेकिन बाद में सरेंडर करने के लिए तैयार हो गए थे। दुष्कर्म के आरोप लगने के बाद संदीप ने नेपाल छोड़ दिया था और पुलिस संदीप की तलाश कर रही थी। बाद में उन्होंने कहा था कि वह सरेंडर करने के लिए तैयार है और 6 अक्टूबर को देश लौटेंगे। लामिछाने ने अपनी सफाई में फेसबुक पर लिखा था, मैं बड़ी आशा और शक्ति के साथ इस बात की पुष्टि करता हूं कि मैं 6 अक्टूबर को नेपाल पहुंच रहा हूं और झूठे आरोपों के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए खुद को नेपाल के अधिकारियों को सौंप दूंगा। मैं फिर से दोहराता हूं कि मैं निर्दोष हूं और न्याय प्रणाली में मेरा अटूट विश्वास है। मैं सभी कानून व्यवस्था में विश्वास रखता हूं और मुझे जल्द से जल्द न्याय मिलने की उम्मीद है। लामिछाने ने लिखा था, मेरे प्रिय शुभचिंतकों, मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूं कि मैं निर्दोष हूं और मैंने आपके साथ कोई अन्याय नहीं किया है। मैं जिस अप्रिय स्थिति से गुजरा उससे मैं उभर गया हूं और मैंने खुद को निर्दोष और साजिश का शिकार साबित करने के लिए तैयार कर लिया है। मुझे यकीन है कि मेरे खिलाफ लगाए गए सभी गलत आरोप समय के साथ सामने आएंगे। संदीप के ठिकाने का पता नहीं लगने पर नेपाल पुलिस ने इंटरपोल से मदद मांगी थी। नेपाल पुलिस के अनुरोध पर इंटरपोल ने नेपाल के पूर्व राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के कप्तान संदीप लामिछाने के खिलाफ डिफ्यूजन नोटिस जारी किया। नेपाली अदालत ने 17 वर्षीय लड़की से दुष्कर्म के आरोप में 8 सितंबर को लामिछाने की गिरफ्तारी का वारंट भी जारी किया था। खैर, अभी के लिए इतना ही। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे किसी अन्य क्राइम से जुड़ी कहानी के साथ।